नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में हेल्थ रिलेटेड एक नए टिप्स लेके आए हैं और इस टिप्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब मौसम बदलता है और टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो हमको हमारा शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है और हमको सर्दी हो जाती है। सर्दी खांसी जब बुखार हो जाता है तो उस कंडीशन में हम अगर छोटा से छोटा काम करें तो उसमें हमारा कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, मन नहीं लग पाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम कोई भी मेडिसिन, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती है, उसको लेके खाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सर्दी की, जुकाम की कोई मेडिसिन नहीं होती है। क्योंकि ये एक सीजनल बीमारी है और जो मौसमी बीमारियां होती हैं इसका जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, इसका कोई पर्टिकुलर इलाज या पर्टिकुलर दवा नहीं होती है। तो जिन बीमारियों का कोई पर्टिकुलर दवा नहीं होती है, पर्टिकुलर इलाज नहीं होता है, उनका जो उपाय होता है वो आपके घरेलू जो उपाय होते हैं उनसे ही वो ठीक होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो घरेलू उपाय करके, कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसको करके हमारे जो सर्दी जुकाम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो नंबर वन पे आते हैं कि गर्म दूध के साथ अगर खजूर का सेवन किया जाए। गर्म दूध जो होता है वो गाय का लीजिएगा। गर्म गाय का दूध के साथ खजूर का सेवन करने से हमारी जो सर्दी होती है छूम अंतर हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सर्दी थी भी और कितने जल्दी वो ख़त्म भी हो गई। उसके बाद आप अगर दालचीनी को ले लीजिए, मतलब नंबर दो पे क्या है कि दालचीनी को ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, जीरा ले लीजिए, इनकी एक पोटली बना लीजिए और उस पोटली को बार बार सूंघेंगे तो उस सूंघने से भी आपकी जो सर्दी है वो छूम अंतर, गायब, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नंबर तीन पे आता है कि जो हर घरों में हल्दी की गांठ होती है, मतलब कि खड़ी हल्दी लीजिए और उसको थोड़ा सा गैस पे गर्म कर लीजिए, उसको भून लीजिए। अब भूनने के बाद उसमें से जो महक आती है उसको सूंघिए, उस महक से सूंघने से भी आपकी सर्दी गायब हो जाएगी। सूंघने से क्या होता है कि जो हमारे नाक के अंदर बैक्टीरिया, जो मतलब जो इन्फेक्शन वातावरण से हमारे नाक के अंदर आके बैठ गया है, सूंघने से वो ख़त्म होता है, वो गायब हो जाता है और वो आपके गले तक नहीं पहुंचता है, जिससे कि आप बचे रहेंगे, इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। उसके बाद नंबर चार पे आपका आता है कि 10 ग्राम गेहूं की भूसी लीजिए, उसमें सेंधा नमक मिलाइए, उसमें 5 लौंग मिलाइए और इनको मिला के काढ़ा बनाइए और इस काढ़ा बना के दिन में 2 से 3 बार इस काढ़े का सेवन कीजिए और 101% आपका सर्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि जो आपकी तुलसी की पत्ती होती है, तुलसी की पत्ती को चाय में डाल के पीने से भी आपकी जो सर्दी होती है छूम अंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में आता है कि आप जो लहसुन होता है, लहसुन को भी थोड़ा सा भून लीजिए, उसको जला लीजिए और उसमें से जो सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है उस खुशबू का आप सूंघिए, उस खुशबू का आप यूज़ कीजिए और देखिए कि कितने जल्दी से जल्दी आपका ये इन्फेक्शन जो है, जो नाक में इन्फेक्शन हो रहा है, जो सर्दी हो रही है, वो गायब हो जाएगी। और उसके बाद में आता है कि आप अगर सर्दी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक गुड़ लीजिए और गर्म दूध के साथ। जी हाँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि गर्म दूध, मतलब दूध का सेवन कीजिए, वो भी गाय का गर्म दूध लीजिए और देखिए कि एक गुड़ के साथ गर्म दूध पी के सो जाइए और देखेंगे कि सुबह आपकी सर्दी गायब। तो ये सारे जो घरेलू उपाय हैं, हमारे जो औषधियाँ हैं, ये हमारे ऋषि मुनि ने बताई हैं, हमारे जो पूर्वज थे इन्हीं का यूज़ करते थे और वो ठीक होते थे। तो इसका यूज़ कीजिए और बिल्कुल चंगे रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।